ये बहुत दुखद घटना है। अचानक ऐसी घटना हुई है तो ये जो घटना है वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन हम हमेशा उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, और प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको हम लोग तत्काल भी व्यवस्था पूरा करेंगे, और हमेशा उनके परिवारजनों के साथ भविष्य में भी उनके साथ खड़े हुए हैं। एक बड़ी दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, गांव पथर्रा के जो हमारे साउथ समाज के परिवार हैं, जो छठी के कार्यक्रम में वहीं नज़दीक ही तिवरैया गए हुए थे, छठी के संधि भेंट का कार्यक्रम था, वापसी के दौरान रात के समय था, वापसी के दौरान जो है कटिया के पास एक खड़ी माजदा वाहन एक वाहन खड़ी हुई थी माजदा, उसे जा कर के जो है टकरा गई, ऐसा यहाँ के जो ड्राइवर था पिकअप का उनका कहना है, तो वहाँ टकराने के कारण ये दुर्घटना घटी है। और टकराने से चूँकि उस छोटे से पिकअप वाहन में जो हालांकि कोई यात्री वाहन नहीं है, सामान ढोने का वाहन है, उसमें जो 25-30 लोग वहाँ पे हमारे गांव वाले उपस्थित थे, और जिसमें से अभी पता चला कि हमारे 9 लोग जो है एक्सपायर्ड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। और वही चीज़ देखने के लिए हम लोग को मेरे सूचना मिली, मैं तत्काल यहाँ जिला अस्पताल पहुँचा हूँ। अभी तक यहाँ जिला अस्पताल में 3 लोग एक्सपायर्ड हुए हैं, और कुछ लोग जो हैं सिमगा में भी रिफ़र किए गए, वहाँ पर कुछ डेथ है हुई है वहाँ है, और कुछ लोग का इलाज सिमगम चल रहा है, और कुछ लोग का इलाज यहाँ है बहुत गंभीर, कुछ लोगों को जो इलाज चल रहा है उसमें किसी को गंभीर चोटें आई हैं, प्लास्टर की नौबत आ रही है, किसी के हाथ पैर टूटे हुए लग रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पे इलाज तत्काल में जारी हो गया है, और जिनकी को आवश्यकता थी उनको रायपुर में एम्स में भी यहाँ के हमारे डॉक्टरों के द्वारा एम्स में रिफ़र किया गया है, और उसी के लिए आया था कि यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे जो परिवार के लोग उनका इलाज बढ़िया ढंग से हो, अच्छा ढंग से हो और जल्द स्वस्थ हो जाए, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं।